नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन ऑयल नॉन एक्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट, जिसमें कि 516 पद है, इसका फीस पेमेंट यानी कि भुगतान कैसे करेंगे। तो दोस्तों, भुगतान करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें, इसका भुगतान आपको करना है ऑनलाइन SBI में। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और आपको मैं बताने वाला हूँ इसका पेमेंट आपको कैसे करना है। फॉर्म सबमिट कर देंगे, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। यहाँ पे आपको ऑल इंडिया पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि ये फॉर्म और ये जानकारी आपको कहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, इंडियन ऑयल का जो फॉर्म आया है नॉन एक्जीक्यूटिव का, ये आपको मिलेगा RozgarResult.com पे। जी हाँ दोस्तों, ट्रस्टेबल पुरानी वेबसाइट RozgarResult.com। अभी मैं आपको IOCL का पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, फॉर्म मिलेगा आपको SarkariResult.com पे, एक भरोसेमंद पुरानी वेबसाइट SarkariResult.com। आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑल इंडिया क्लिक करना है। ऑल इंडिया क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको PSU क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले ऑप्शन पे ऑल इंडिया क्लिक करना है, सेकंड वाले पे PSU क्लिक करना है, फिर गो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं बहुत ढेर सारे जो ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेलेक्ट करना है। दोस्तों जैसे आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ सबमिट का बटन मिल जाएगा, सबमिट करना है। यहाँ पे आपको रिफाइनरी सेलेक्ट करनी है। दोस्तों बता दें, रिफाइनरी वही रखिएगा जिस रिफाइनरी के लिए आपने फॉर्म भरा है। जैसे कि मैंने जो फॉर्म भरा था वो मथुरा रिफाइनरी के लिए भरा, तो यहाँ मथुरा रिफाइनरी क्लिक करूंगा। जैसे आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन नंबर डालना है। बता दें, एप्लीकेशन नंबर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, जो भी आपने जो फॉर्म में डाला है वो डाल दीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज। जैसे फॉर्म में आपने नाम डाला था वो नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे पोस्ट कोड डाला था, जैसे पोस्ट कोड 204 था मेरा, वो डाल दिया। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ यहाँ पे पूरी, बिल्कुल मैच करके डालिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आपको फादर का नाम डाल देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना है, फीस ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे रिमार्क है, रिमार्क में आप कुछ भी दे सकते हैं, आप फीस पेमेंट लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दोबारा अपना नाम डाल देना है, अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल देनी है। दोस्तों बिल्कुल फीस पेमेंट का प्रोसेस बहुत ही केयरफुली समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको गलत कर देंगे, आपको बता दें इस फॉर्म को जो साधारण डाक द्वारा जो है भेजना भी है, जिसमें आपको इसको जो भेजना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको जो है ये कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को डालते हैं और नीचे सबमिट का बटन है, इसको क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे ही मैं आगे बढ़ा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो दोबारा चेक करने के लिए पूछ रहा है, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन नंबर है, नाम है, आपका पूरा पोस्ट कोड है, सारी चीज़ें आ रही है, कंफर्म करना है और आगे चलना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे बता दें पेमेंट के ऑप्शन खुल जाएंगे। बता दें इसका पेमेंट आप स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, फॉर्म भरने के तुरंत बाद पेमेंट कर सकते हैं, कोई 24 घंटे का चक्कर नहीं है। आप किसी अदर बैंक की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अपने किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट फॉरन कार्ड, प्रीपेड कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसका पेमेंट UPI और NEFT RTGS के थ्रू भी कर सकते हो। जो लास्ट ऑप्शन है ये SBI ब्रांच का ऑप्शन है, यानी अगर आपको इसका पेमेंट ऑफलाइन ब्रांच में जाकर जमा करना है तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन बता दें, अगर आप ये मेथड को चूज़ करेंगे तो आपका 59 यानी 59 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा, जो कि सर्विस चार्ज है। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप जब इसको जो है आप पेमेंट कर देंगे तो आपको एक रसीद मिल जाएगी, उस रसीद को और आप जो ईमेल पे आपके फॉर्म आया उस फॉर्म के साथ आपको जो इसको साधारण डाक से भेजना है, तो पूरी जानकारी आपको इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।